मणिपुर के जिरीबाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सोमवार को 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन उग्रवादियों के मारे जाने के बाद कुकी संगठनों ने मंगलवार को बंद का ऐलान किया है। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में पूर्णबंदी रहेगी। शासन ने भी जिरीबाम में कर्फ्यू की घोषणा की है। इधर इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मणिपुर में पिछले साल मई से ही तनाव जारी है। यहां पर तब से ही लगातार तनावपूर्ण खबरें आती रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को आधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने दोपहर करीब 2:30 बजे बोबब्रेका पुलिस थाने और उसके पास सीआरपीएफ कैंप पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ उग्रवादी बोरोब्रेकरा पुलिस थाने से करीब 100 मीटर दूर जकुरादोर कारोंग बाजार में घुस गए और कुछ घरों पर हमला करने के अलावा कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, भारी गोलाबारी शुरू हो गई और 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। गोलीबारी घटना करीब 1 घंटे तक चली। पुलिस ने इलाके में लोगों के जुटने पर भी पाबंदी लगा दी, धारा 163 लागू है। कुकी जो काउंसिल ने एक बयान में कहा कि आज जिरीबाम में हमने सीआरपीएफ कर्मियों के हाथों 11 कुकी जो ग्राम सेवकों को खो दिया। इसी दुखद घटना के मद्देनजर कुकी जो परिषद ने इन मृत स्वयं सेवकों के सम्मान में कल सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक पूर्ण बंद की घोषणा की है, ताकि अपना सामूहिक दुख और एकजुटता व्यक्त की जा सके। पिछले साल मई से मणिपुर में इम्फाल स्थित मैतेई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी के बीच जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में अभी भी तनाव और अप्रिय घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन पिछले महीनों के उग्रवादियों के खिलाफ इतने बड़े ऑपरेशन की यह सबसे बड़ी घटना है। इस घटना में सामने आया कि कुकी उग्रवादी सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाने की फिराक में थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने कैंप पर फायरिंग भी की थी, लेकिन सीआरपीएफ की कड़ी कार्रवाई में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध उग्रवादियों ने दोपहर करीब 2:30 बजे जिरीबाम जिले के बोरोब्रेकरा पुलिस स्टेशन पर हमला किया। संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन के दोनों ओर से बड़े पैमाने पर हमला किया था। इसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ के लीडरशिप में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 11 संदिग्ध कुकी उग्रवादी मारे गए। पुलिस स्टेशन के नजदीक ही विस्थापितों के लिए एक राहत शिविर भी है। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि उग्रवादियों का निशाना यह शिविर भी हो सकता था। मणिपुर के पहाड़ी और घाटी जिलों में पिछले 3 दिनों के भीतर तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कई हथियार, गोला बारूद और आईडी जब्त किए हैं। असम राइफल्स ने सोमवार को जानकारी दी थी। कहा गया कि शनिवार को असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने चुराचांदपुर जिले के खामुनोई गांव से सटे जंगल में एक अभियान के दौरान .303 राइफल, 2.9mm पिस्टल, 6.12 सिंगल बैरल राइफल, 1.22 राइफल सहित तमाम गोला बारूद और अन्य युद्ध संबंधी सामान जब्त किया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। We'll be right back.